हेलो माइनक्राफ्ट लवर, स्वागत तुम लोगों का एक और वीडियो पे। एंड एक्स पिकैक्स एंड स्वॉट, समझ लो ये जो तीन चीज़ें हैं ना, ये तीनों चीज़ अपने हॉटबार के तीन स्लॉट बुक करके रखते हैं। एंड मैं सोच रहा हूँ इन तीनों चीज़ों की काम को अगर मैं एक में डाल दूँ तो कितना बढ़िया होगा। सो मैंने ऐसा एक मॉड बनाया है जिसमें आपको चार डिफरेंट टाइप के टूल्स मिलेंगे जिन पे आप इन तीनों का काम एक ही पे कर सकते हो, यानी कि आप एक ही टूल से कोई भी ब्लॉक तोड़ सकते हो। और पीछे जो ये कांड किया हूँ ये उसी टूल्स के मदद से किया हूँ। तो यहाँ पे आपको चार डिफरेंट टाइप के ऑल इन वन टूल्स मिलेंगे, तो इसका नाम है ऑल इन वन। तो इसमें आप सारे चीज़ें तोड़ सकते हो, लिटरली भाई पिकैक्स एक्स और सबल वाले सारे चीज़ें कर सकते हो। बस यहाँ पे आप खेती या फिर पातोए नहीं बना सकते, और इन चारों के डिज़ाइन भी थोड़ा अलग है। आपको नीचे एक्स की स्लॉट दिखेगा एंड ऊपर आपको पिकैक्स की बेस दिखेगा, और इसको आप ऐसे तोड़ सकते हो। देखो यहाँ पे स्टोन कितनी जल्दी टूट रहा है, ये स्टोन की एफिशिएंसी है, स्टोन वाले ऑल इन वन की। और इसमें हम लोग भाई बाकी के चीज़ें भी तोड़ सकते हो, देखो स्टोन टूट रहा है, प्लैंक्स टूट रहा है, स्टेयर्स टूट रहा है, और लॉक भी, मतलब अपने को भाई स्विच करने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये स्टोन की है तो इसकी भाई एफिशिएंसी थोड़ा कम होगा। एंड बाकी इसमें भाई हम लोग नेदरराइट की चीज़ें भी तोड़ नहीं सकते, ये थोड़ा सा ऐसा है। एंड इससे हम लोगों को मिल तो जाएगा बट स्लो है, और अगर मैं नेदरराइट से तोड़ने की कोशिश करूँ ईजिली मिल जाएगा। यस, अब इससे भाई बाकी के ब्लॉक भी हम लोग तोड़ सकते हैं। यस, बस इसकी ड्यूरेबिलिटी कम होगा स्टोन की, तो या और इसके साथ साथ भाई आयरन की भी दिखा देता हूँ, आयरन की एफिशिएंसी थोड़ा ज़्यादा होगा स्टोन से। ओके, तो इन दोनों की एफिशिएंसी को मैंने अभी तक गॉड लेवल तक नहीं किया है। तो जिन लोगों को भाई एक जेन्युइन चीज़ें पसंद है, मतलब कुछ ज़्यादा एफिशिएंसी ना हो, एक बढ़िया सा स्प्रीड में चले, तो ठीक है उनके लिए स्टोन एंड आयरन बेटर है। और इससे आप लोग ये भी देख सकते हो भाई, ये स्टोन भी तोड़ता है एंड एक जनरल स्पीड पे ही तोड़ता है। बट अगर मैं कंपेयर करूँ डायमंड्स के साथ तो ये थोड़ा अलग है। देखो ये आयरन की है और डायमंड की देखो डायमंड बहुत ज़्यादा फास्ट है, नेदरराइट से तो ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर आपको नेदरराइट की भी दिखा देता हूँ झलक एक बार, मतलब ये इतना ज़्यादा ओवर पावर है ना भाई, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हाँ पहले भाई दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे मैं थोड़े बहुत स्टोन लगा देता हूँ एंड अब इसे भाई नेदरराइट से तोड़ रहा हूँ। लिटरली भाई आपको देखने को भी नहीं मिलेगा इसकी ब्रेकिंग एनिमेशन और ऐसा लग रहा है कि आप क्रिएटिव मोड में हो, मतलब यहाँ पे बहुत ख़तरनाक टाइप की एफिशिएंसी है। और इससे आप कोई भी ब्लॉक टूट सकते हो, और मॉडरेट वाले ब्लॉक्स अभी के लिए तो नहीं बट हाँ फ्यूचर में ज़रूर होगा। और चिंता मत करो ये ज़्यादा ओवर पावर नहीं है, क्योंकि इसे क्राफ्ट करने के लिए आपको नेदरराइट ब्लॉक चाहिए जो कि सर्वाइवल में काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ, रेनपोज डीप स्लेट टेस्ट, तो देखते भाई कौन सा कितनी जल्दी तोड़ सकता है। तो मैं बस 3 सेकेंड के लिए इसे तोड़ने की कोशिश करूँगा, तो देखते 3 सेकेंड के अंदर कौन तोड़ सकता है। ओके पहले तो भाई ओके आयरन यहाँ पे हार गया, 1 2 3 ये हो गया आयरन की टाइम आउट। चलो अब यहाँ पे डायमंड की, 1 2 3 ओके सो क्लोज एंड अब नेदरराइट 1 2 ओके ठीक है समझ लो 3 के अंदर ही इसने तोड़ दिया। भाई ये नेदरराइट काफ़ी ज़्यादा ओपी है, और बाय द वे रेनफोर्स दिस स्लेट अपने को नहीं मिलने वाला, रेनफोर्स जो भी है एंड इसको अगर आपको खेलना है कुछ नहीं, बस एड ऑन डाउनलोड करो जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो आपको बस प्ले पे क्लिक करना है एंड एक वर्ल्ड क्रिएट करना है जिसकी रिसोर्सेज पैक एंड बिहेवियर पैक पे आपको AOT को डालना है, यानी कि ऑल इन वन नॉट अटैक ऑन टाइटन। ओके एंड उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बाकी मैं ऐसे छोटे मोटे मॉड्स लाना स्टार्ट करूँगा और बाद में इन्हें मिक्स करके बड़ा मॉड पैक बनाऊँगा।